कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का डेट था आपका 15 मई से 10 जून तक, ठीक है। लेकिन डेट एक्सटेंड हो गया किसी भी कारण से और 20 जून तक कर दिया गया। बट ठीक है, उसके बाद आपका 25 तारीख का टाइम था कि अलॉटमेंट लेटर आने का, तो अलॉटमेंट लेटर आउट हो चुका है क्योंकि कल ही 25 तारीख था, आज 26 है। कल आपका अलॉटमेंट लेटर आउट हो गया है यूजीएससी का, ठीक है। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं डाउनलोड किया तो फटाक से जाकर डाउनलोड कर लो क्योंकि अभी भी हो रहा है, ठीक है। जब तक अभी तक आपका एडमिशन चलेगा तब तक डाउनलोड होगा, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, मतलब कि यूजीएससी का सॉरी रैंक कार्ड आ चुका है। तो अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, चॉइस फिलिंग कब होगा, सीट मैट्रिक्स कब आएगा, एडमिशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सबके मन में क्वेश्चन होगा, ठीक है। कि भैया कब से चॉइस फिलिंग चालू होगा, कब से फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब तक सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, क्योंकि अभी यूजीएससी ने कोई भी ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया है, ठीक है। कब तक ऐसे हो सकता है, चलिए हम लोग एक एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे कि कब तक आपका यूजीएससी का चॉइस फिलिंग चालू होगा, ठीक है। जैसा कि आज आपका 26 तारीख हो रहा है, ठीक है, 26 तारीख हो रहा है, मे भी हो सकता है कि 27 या 28 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए कि कब से आपका यूजीसी का चॉइस फिलिंग चालू होगा, कब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, कब आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। तो आज 26 तारीख है, अभी 27-28 तक आ जाएगा। हो सकता है कि 1-5 तक के बीच में, ठीक है, 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपका आपका चॉइस फिलिंग चालू हो जाए, ठीक है। कि कब से चॉइस फिलिंग का चालू होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 1-5 तारीख हो सकता है मे भी कि इतने देर तक आपका चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगा यूजीएससी का, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, ठीक है। और जैसे ही चॉइस फिलिंग चालू होगा उसके जस्ट 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन ये का टाइम दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर 5 तारीख को चॉइस फिलिंग चालू होता है तो 10 दिन का वक्त देगा, ठीक है। तो 15 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा, ठीक है, 15 जुलाई तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। और मे भी 5 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को आपका सेकेंड राउंड का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका 20 जुलाई को, ठीक है। और उसके जस्ट 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद, क्योंकि 4 दिन तो आपके एडमिशन का ही डेट दिया जाता है, उसके 10 दिन बाद मे भी आपका 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी हो, ठीक है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि इतना तक जा सकता है, ठीक है। अगर 20 जुलाई को अलॉटमेंट लेटर आएगा तो इसका एडमिशन डेट कितना रहेगा, अगर आपको 5-4 दिन का एडमिशन डेट दिया जाता है तो मे बी ये 24 तारीख तक आपका एडमिशन चलेगा, ठीक है। 24 तारीख तक अलॉटमेंट यहाँ तक एडमिशन चलेगा, तो आप इतने तक यहाँ फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आप 24 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, 24 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका डाउनलोड होगा लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका कब से होगा, जब आपका 30 तारीख का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो फिर आपका इसका जो एडमिशन डेट रहेगा कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में एडमिशन चलेगा, तो उतने डेट तक ही आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और उतने दिन तक ही काम आएगा, उसके बाद कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका चॉइस फिलिंग जो हो सकता है कि मे बी 1-5 तारीख तक चालू हो जाए, ठीक है, 1-5 तारीख तक चालू हो जाए क्योंकि सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं हो, इस वजह से आपका 1-5 तक चालू हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अगर इतना तारीख से चालू हो जाना चाहिए क्योंकि अब रैंक कार्ड तो आ ही चुका है यूजीएससी का, क्योंकि 25 तारीख को ही रैंक कार्ड आना था, रैंक कार्ड तो 25 तारीख को आ चुका है। अब 10 दिन तो टाइम नहीं लेगी यूजीएससी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन टाइम लेगी, आपका नोटिस आ जाएगा 5 दिन के अंदर ही कि आपका कब से चॉइस फिलिंग चालू होगा, कब आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा और कब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा यूजीएससी का, ठीक है। वो जो प्रोकास्ट में सीट मैट्रिक्स दिया गया है वो तो दिया गया ही है, लेकिन एक सीट मैट्रिक्स अलग से भी आएगा आपका जब अलॉटमेंट लेटर आने वाला रहेगा उससे पहले, ठीक है। मतलब कि चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन आना रहेगा कि उसी में लिखा रहता है कि कब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, कब आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, मॉप अप राउंड होगा या नहीं होगा, उसमें सारा चीज दर्शाया रहता है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी लोग चैनल से जुड़ जाओ। और एक अच्छा वीडियो आप लोग के लिए मैं जल्द ही लाने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा।